दोस्तों आज है एक सैटरडे एंड वीकेंड इतनी जल्दी एंड हो जाता है। वैसे हमने आपके लिए लेके आए हैं गर्मा गर्म टेक न्यूज, बट टेक न्यूज बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। चलो उसके पहले जो ना आप आंसर करके बताओ इस क्वेश्चन का, ठीक है, मजा आएगा। अब देखो हम ज्यादातर आप में से बहुत सारे लोग जो हम लोग जो ना आज के टाइम में कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ाई करते हैं, यानी पढ़ते हैं। मैं पढ़ाई एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना कुछ भी, जैसे रीड कर रहे हो, आर्टिकल रीड कर रहे हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, क्या आप बता सकते हो कि भी जो हम पेपर पे पढ़ते हैं और जो मोबाइल स्क्रीन या फिर डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ते हैं कौन सा फास्टर चलता है, जल्दी हम कहां पढ़ते हैं? मुझे जल्दी से बताओ, एक सेकंड का पॉज लो, बता दो कमेंट में। चलो मैं बताता हूं भाई। दोस्तों देखो रिसर्च का मानना है, बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट होने के बाद में ये रिजल्ट आया कि हम जो है ना 10% स्लोअर पढ़ते हैं कोई भी डिजिटल स्क्रीन पे, यानी कि आप मोबाइल पे लैपटॉप पे कुछ भी आप पढ़ते हो कंपैरेटिवली कोई भी पेपर बुक पे, तो वहां से आप कम पढ़ाई मतलब कम स्लो पढ़ते हो। दिस इज द क्रेजी फैक्ट। तो चलिए दोस्तों आज का टेक न्यूज अब इसी के साथ में शुरू करते हैं और मैं गर्मा गर्म टेक न्यूज आपको बताता हूँ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह के साथ में हम कंटिन्यू भी करेंगे। बाकी देखो सबसे पहली बड़ी खबर जो आ रही है भाई साहब, RBI ने पेटीएम को बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों 29th February लास्ट होने वाला है। अब आप बोलोगे 29th February आटा का है भाई साहब, 2024 लीप ईयर है, इसमें 29 February में डेट होते हैं, मजे मारो, जिसके भी बर्थडे है सबको हैप्पी बर्थडे, 4 साल के बाद में फिर बर्थडे करेंगे। हाँ वैसे खबर तो बहुत गंभीर है कि देखो RBI ने एक्चुअली जो है ना पेटीएम को बहुत सारे टाइम से जो है ना उनको ये डॉक्यूमेंट दो, ये कंप्लायंस फॉलो करो, ये फॉलो करो, सब चीज करके आ रहे थे। और एक साल पहले तो उन्होंने जो भी उनके पेटीएम बैंक है ना, पेमेंट बैंक, उसको जो है ना नए कस्टमर को ऑनबोर्डिंग करने से बैन कर दिया था। बट आज के टाइम में दोस्तों 2 दिन पहले न्यूज आया कि भाई 29th February लास्ट हो जाएगा पेटीएम पे। यहाँ की कि जो भी फास्टैग है, जो भी ऑनलाइन वैलेट पेमेंट्स करते हो, जितने भी सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक से इतने लिंक्ड है ना, सब चीज खत्म, ना ही कस्टमर को ऑनबोर्ड कर पाएंगे, ना ही न्यू यूजर को ला पाएंगे, सब चीज खत्म। अब आप देखो पेटीएम को अगर कंटिन्यू करना है, वैसे पेटीएम के फाउंडर ने बोला कि हम 29 के बाद में भी सर्विसेज कंटिन्यू करेंगे। अब कैसे सर्विस करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी बैंक्स रहेंगे उनके साथ एसोसिएट होके करेंगे काम वगैरह, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आपको कैसा लगा नीचे बताओ, आपका क्या ओपिनियन है। अगली खबर दोस्तों iOS एप्पल आईफोन की तरफ से आ रहा है। एप्पल का कहना है iOS जो 18 आने वाला है उसमें मेजर अपग्रेड आएगा। सबसे ज्यादा मेजर अपग्रेड क्या आएगा, देखो AI की डिपार्टमेंट में, जैसे इसका राइवल तो सैमसंग गैलेक्सी है राइट, और गैलेक्सी AI इंट्रोड्यूस करा, देखा आपने कमाल कमाल के फीचर्स है। वैसे अगर आपको पता नहीं तो वीडियो जाकर के चैनल पे देख लेना, उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे एप्पल का भी कनेक्ट पे अब हम लोग भी जो ना AI को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि भाई AI किस लेवल का आता है। देखो एप्पल जो भी काम करता है बहुत ही परफेक्ट तरीके से करता है, बट लेट्स सी जब ये आएगा 2024 के एंड में हमें देखने को मिल जाएगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आपको क्या पसंद है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि भाई एप्पल अपना किस टाइप की AI फीचर्स लेके आ सकता है अपने फोन्स में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। AI की बात हो ही रही तो यहां पे गाइस OnePlus ने भी अपना अनाउंस कर लिया है कि अगला फोन जो इसका लॉन्च होने वाला है उसमें जो है AI ड्रिवन म्यूजिक कंपोजर को लाया जाएगा। यानी कि आप फोन में अगर आप म्यूजिक वगैरह बनाना चाहोगे तो भाई साहब OnePlus के फोन में कर पाओगे। अब ये कौन सी मॉडल में आएगा, कब तक आएगा, ये भाई साहब कुछ नहीं बताया है। तो हो सकता है कि हमें जो है मार्च अप्रैल या शायद फेब के जो अगले फोन लॉन्च हो रहे हैं वहां पे हमें देखने को मिल जाए। लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। नेक्स्ट, और उड़ती उड़ती एक और खबर आई कि भाई VI यानी कि वोडाफोन आइडिया जो है ना अपने 5G नेटवर्क को जो ना सक्सेसफुली टेस्ट आउट कर लिया, जो मेजर सिटी इन जो हो जाए, बैंगलोर हो जाए, दिल्ली हो जाए, और अब इनका कहना है कि बहुत ही जल्द अक्रॉस इंडिया ये अपना 5G सर्विसेज को लॉन्च कर देंगे। मेरा मानना है कि अनदर 6 मंथ तो इनको टाइम लगेगा ही। तो इसी के साथ में जो ना बाकी जो टेलीकॉम नेटवर्क्स है जैसे कि जियो हो जाए, एयरटेल हो जाए, अपने 5G फ्री प्लान्स को जो ना खत्म करके पेड प्लान्स लाना चाहते हैं। बाकी इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट गाइस। इसी के साथ में जब हम टेलीफोन इंडस्ट्री के बारे में बात ही कर रहे हैं तो भाई साहब एक बहुत ही बड़ा गलत न्यूज आया है, बहुत ही बैड न्यूज है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के भाई इनके जो है ना 750 मिलियन जो डेटा जो है ना लीक हो चुका है, मतलब किसी ने चुरा लिया है भाई साहब, हैक करके इनके जो है 750 मिलियन यानी तकरीबन मिला करके मैं बताऊं 70 करोड़ डिटेल्स जो है ना कस्टमर्स के डिटेल, यहां तक कि आधार कार्ड का डिटेल भाई साहब उड़ गया है। और ब्लैक मार्केट में जो डार्क वेब में यहां पे $3,000 में सेल भी हो रहा है। भाई साहब क्या होने वाला है, मतलब डेटा की आजकल वैल्यू ही नहीं है।
कहा जाता है कि भाई डेटा इज द न्यू गोल्ड और इसको भाई चुरा करके यूं ही सेल मतलब बिकते जा रही है, तो न्यूज कॉमन हो गया। आपको वैसे क्या लगता है डेटा लीक के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट। इसी के साथ में दोस्तों एक मेजर जंप आया है जो इंडिया में जो ओवरऑल जो स्मार्टफोन का जो शिपमेंट होता है 78% इंक्रीमेंटल हुआ है। अब देखो ये कैसे हुआ है, यूजुअली क्या है कि सीएमआर का एस्टिमेटेड है कि लास्ट ईयर 2022 में जाकर के 1-2% स्मार्टफोन शिपमेंट में डिक्लाइन आया था, आपको पता था मल्टीपल रीजंस वगैरह थे, बट वही जो ना 2024 में 8-9% का ग्रोथ फोरकास्ट करा जा रहा है। इसके साथ में जो 5G का फोन्स है उसमें एंड ओवरऑल जो कहा जाता है 40% का जो ना इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फीचर फोन हो जाए, 4G फोन्स हो जाए, 5G फोन्स हो जाए 2024 में कंपैरेटिवली 2023। तो भाई साहब देखने वाली बात है, इतना सारा स्मार्टफोन कहां से और कितने लोग खरीदते हैं, आप लोग ऐसे कमेंट करके बताना कि आपने इस साल कोई स्मार्टफोन खरीदने का प्लान करे हो। इसी के साथ में आज की फाइनल न्यूज दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो इंपोर्ट टैक्सेस रहते हैं उनको जो है रिड्यूस कर दिया है। अराउंड 15% का टैक्स पड़ता था, उसको कम पड़ करके अब जो है 10% कर दिया, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं जैसे कि कैमरा सेंसर्स हो जाए या फिर बैटरीज हो जाए या फिर कैमरा आपके स्मार्टफोन के अलग अलग पार्ट्स वगैरह हो जाए या फिर और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड यू नो मशीनरीज आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, यू नो OEMs आते हैं, उसको जो है बाहर से इंपोर्ट करा जाता है, तो उसके प्राइसिंग जो है 5% कम हो चुका है। तो इसके बाद में क्या हम 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन लैपटॉप टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिवाइसेस के प्राइस कम हो जाए? ना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो जब इन प्राइसेस का टैक्सेस कम हुआ है बट ओवरऑल देखो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ओके महंगाई भी बढ़ रहा है, तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जैसे क्वालकॉम वगैरह हो जाए नए नए स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज पे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और भी बहुत सारे कंपनीज है जो कि अलग अलग टाइप की यू नो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं जो कि एक कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर यू नो स्मार्टफोन बनाने के लिए काम आता है, तो उन सभी डिवाइसेस में जो ना अलग अलग टाइप की यू नो हैवी रिसर्च करते हैं, अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं, उसको खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइसिंग वो इंक्रीज डिक्रीज वगैरह कुछ सीन होगा। इनफैक्ट जो पार्ट्स के प्राइसिंग जो ना वो लोग और इंक्रीज कर लेंगे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना चाहता है, तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री थोड़ा ढीला ढाला चल रहा है, आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे देखो अब टैक्सेस तो कम हुआ है बट आपको जो ना स्मार्टफोन प्राइसेस में जो ना डिक्लाइन तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा, इनफैक्ट प्राइसिंग इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन में बहुत सारे चीजें फैक्टर है। बाकी दोस्तों आप बताओ कि इनमें से कौन सा टेक न्यूज आपको अच्छा लगा एंड इस टाइप की टेक न्यूज को मैं आज भी कंटिन्यू करूं, जैसे कि कुछ यू नो टेक फैक्ट आपको बताऊं स्टार्टिंग के टाइम में एंड कुछ डिटेल में डिस्कशन वगैरह करें, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गाइस बाय बाय एंड आज का वीकेंड आपका मस्त हो मैं यही विश करता हूं एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि हम लोग बहुत एफर्ट्स वगैरह डाल करके आप लोगों के लिए इस वीडियोस को बनाते हैं एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हो इससे देखो आपको तो बिल्कुल भी फ्री है बट इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा लगता है ऐसे सभी वीडियोस आपको रोजाना देने के लिए। तो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।